गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में द क्लेवर कैट चैप्टर का फर्स्ट पेज रीड कर लिया था। आपने स्टोरी पढ़ी दोबारा एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मजेदार। तो ऑफ कोर्स अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आगे क्या हुआ। आज हम आगे पढ़ेंगे, ओके? चलो देखिए। वन डे शी वेंट टू द माउस। वन डे, एक दिन, शी वेंट टू द माउस, वे है चूहे के पास गई, एंड सेड, और कहा, डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, माई सिस्टर इज गोइंग टू मैरी टूडे, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, गोइंग टू मैरी, आज शादी करने जा रही है, मेरी शादी करने जा रही है, कब, टूडे, आज, एंड आई एम इन्वाइटेड टू द वेडिंग, और मुझे भी इनवाइट है, इनवाइट करना मतलब बुलाना, शादी के लिए बुलावा देना, मुझे भी अपनी शादी में बुलाया है, वेडिंग मतलब शादी, इनवाइट मतलब बुलाना, ओके? विल यू कीप द हाउस व्हाइल आई एम अवे, क्या तुम जब तक घर का ख्याल रखोगे तब तक मैं आती हूँ, मतलब बिल्ली यहाँ बोल रही है, भाई तुम चूहे को, तुम इस घर का ख्याल रखोगे जब तक कि मैं वापस आ जाऊं, ओके? द माउस सैड ही वुड, चूहे ने कहा, हाँ मैं घर का ख्याल रखूंगा, ही वुड मतलब हाँ भाई मैं रखूंगा, एंड ऑफ द कैट स्टार्टेड, इतना कह के बिल्ली चल पड़ी, नो नॉट टू द वेडिंग, नहीं वो वेडिंग में नहीं जा रही, कहाँ जा रही है, बट टू द हॉलो ट्री, यहाँ देखो पकड़ी गई ना बिल्ली की चोरी, उसने झूठ बोला कि मेरी सिस्टर की शादी है और चल पड़ी, कहाँ वेडिंग में तो नहीं जा रही ना, कहाँ जा रही है, होलो ट्री, जहाँ उन्होंने वो जार ऑफ बटर छुपाया था, वहां शी एट एंड एट द बटर, उसने बटर खाया, इतना बटर खाया, अंटिल शी हैड लिक्ड, जहां तक उसकी जीभ गई, ऑल द टॉप ऑफ, बिल्कुल ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाले तक उसकी जीभ गई, उसने ऊपर ऊपर वाला फिनिश कर दिया, पुटिंग द जार बैक इन इट्स प्लेस, देखो ये होलो ट्री था ना, वापस जार को इसके अंदर रख दिया, जो इसकी जिस जगह पे ये रखा था ना इसके अंदर से, वापस उसको वहीं रख दिया, एंड रिटर्न होम, और घर की तरफ वापस चल पड़ी, ओके? व्हाट बैक सो सून, Did you have fine wedding? The mouse asked. Of course, वो शादी की बोल के गई थी, हम शादी में एक दिन तो लगा ही देते हैं या फिर कुछ घंटे तो लगा ही देते हैं, लेकिन बिल्ली ने क्या किया, वो बोल के गई, फटाफट पहाड़ी पर गई और उसको खा के वापस आ गई, मतलब जल्दी ही वापस आ गई, तो चूहे ने पूछा, What? Back so soon? क्या तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, Did you have a fine wedding? मतलब शादी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना, चूहे ने पूछा, अफकोर्स हम पूछते हैं ना, हम जब स्कूल चले जाते हैं और बाय चांस स्कूल जाके हमें पता चलता है छुट्टी अनाउंस होगी और हम वापस घर आ जाते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं ना, भाई क्या हुआ इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, सब ठीक तो है ना, वैसे ही चूहे ने भी पूछा, यस इंडीड Replied the cunning cat. Indeed, indeed का मीनिंग हुआ किसी चीज के लिए हाँ भरना, रियली हाँ हाँ सब ठीक है वहां तो, Replied the cunning cat. Cunning cat मतलब होशियार बिल्ली, चतुर बिल्ली थी ना, उसे दिमाग चलाया, चतुर बिल्ली ने रिप्लाई दिया, हाँ सब ठीक है वहां तो, What is your sister name? तो चूहे ने पूछा, भाई तुम्हारे सिस्टर का क्या नाम है, टॉप ऑफ, कैट ने क्या बोला, द कैट रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया, टॉप ऑफ, क्यों, क्योंकि वो ऊपर ऊपर का खा गई तो उसने उसका नाम क्या बना दिया, टॉप ऑफ, टॉप ऑफ, क्राइड द माउस, व्हाट अ स्ट्रेंज नेम, टॉप ऑफ ये भी कोई नाम होता है, चूहे ने आश्चर्य से पूछा, आफ्टर दिस, इसके बाद, द टू फ्रेंड्स लिव टूगेदर एज बिफोर, फिर दोनों फ्रेंड लिव टूगेदर, दोनों एक साथ फिर से रहने लगे, पहले की तरह, बिफोर पहले की तरह, दोनों दोस्त पहले की तरह एक साथ रहने लगे, बट द ग्रीडी कैट माउथ वाटर्ड फॉर द बटर अगेन, लेकिन
ग्रीडी कैट लालची बिल्ली के मुंह में, माउथ मतलब मुंह में वाटर, फिर से पानी आने लगा, किसके लिए? बटर के लिए। शी गेव द एक्सक्यूज, उसने फिर से बहाना बनाया। हर सेकंड सिस्टर मैरिज, अपनी दूसरी सिस्टर का बहाना बनाया। एंड वांट टू ईट हिडन बटर, और फिर से जो छुपाया हुआ बटर था उसको खाने पहुंच गई। शी एट, उसने बटर खाया द अंटिल, इतना इट वॉज हाफ गोन कि वो आधा खत्म हो गया, पूरा भरा जार था ना, उसने इतना बटर खाया कि वो आधा खत्म हो गया, बचा कितना? आधा। बैक होम, और वापस घर आ गई। शी टोल्ड द माउस दैट शी हैड सो मच फन इन द मैरिज, उसने चूहे से कहा कि शी हैड सो मच फन, उसने खूब मस्ती करी इन द मैरिज, कहां पर? उसकी सेकंड सिस्टर की शादी में उसने खूब मस्ती करी। शी गेव आउट हर सेकंड सिस्टर नेम एज हाफ गॉन, चूहे ने फिर से पूछा भाई तुम्हारी दूसरी सिस्टर का क्या नाम था, तो बिल्ली ने क्या नाम बताया? हाफ गॉन, मतलब आधा बटर वो खत्म कर चुकी, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया? हाफ गॉन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, आगे की स्टोरी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? आप इसे अच्छे से पढ़ना, मजा आएंगे पढ़ के, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी ना सबको? एक बार और पढ़ना अच्छे से, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन।